तो हे गाइस, फाइनल वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas। तो गाइस यार, आपको याद होगा कि हमने GTA के पिछले एपिसोड में काफी एक तगड़ा मिशन किया था, जिस मिशन पे यार हमने ओजी का एक म्यूजिकल नोट वाला मिशन किया था। जो मिशन था यार, एक मैड डॉग के मैंशन पर जाकर हमने किया था। गाइस ओजी को यार मतलब पता है कि उसे गाना गाने का शौक है, और हमने गाइस उसके लिए यार एक मतलब म्यूजिकल नोट स्टीलिंग करके लाए थे गाइस एक मैड डॉग के मैंशन से। काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे गार्ड्स थे, उन सारे गार्ड्स को गाइस मतलब चुपके चुपाते यार हम लोग अंदर गए कैसे करके। मतलब पहले गार्ड को तो यार किल किया, फिर गाइस धीरे धीरे चुपके चुपके अंदर गए। फिर अंदर जाने के बाद गाइस उसको मतलब क्या होता है, जो नोट्स थी गाइस उसको हमने मतलब स्टीलिंग किया, मतलब उठा लिया वहाँ से। उसके बाद गाइस हम बाहर निकले, मतलब बीच का पार्ट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कैमरा ऑन करना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आगे देखते क्या होता है। तो यार फिर मतलब वहाँ पे जाने के बाद फिर बाहर आते समय जितने भी गार्ड्स थे सारे वापस से आ गए। फिर गाइस उनको किल करा, मतलब सप्रेस्ड गन थी मेरे पास, सप्रेस्ड पिस्टल से गाइस सबको किल करते यार हम लोग बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद गाइस हम लोग साइकिल ले, और साइकिल लेने का सीधे गाइस ओजी के पास बर्गर शॉप पे गए। वहाँ पे बर्गर शॉप के बने का गाइस वहाँ पे हमने ओजी को नोट्स दिए, और वहाँ पे गाइस वो मिशन खत्म हो जाता है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या होती है गाइस, हमारी हेल्थ बहुत कम होती है, मतलब बस कैसे कैसे गए थे यार। तो यार हेल्थ बहुत कम होने की वजह से हमें मतलब बर्गर शॉप में जाके वहीं से बर्गर खाते हैं। और बर्गर खाने के बाद तुम्हारे समय कॉप्स की कॉल आते हैं। सबसे अजीब बात तो वो कॉप्स के गाइस जिसको हमने फर्स्ट मिशन पे यार हम मिले थे। आपको याद होगा कि फर्स्ट मिशन में गाइस हमें एक गली के अंदर मतलब उन कॉप्स ने हमें धक्का मार के मतलब गिरा दिया गाड़ी से। और यार हम लोग कहते कैसे बचते हैं बताते, मतलब अपने घर गए वहाँ से। आपको याद होगा, चलो वो मिशन आपने देखा होगा। तो यार मतलब इस मिशन में वो कॉप्स दोबारा फ़ोन करता है, मुझे मिलने जाते हैं। और मिलने जाने के बाद कॉप्स का एक मिशन आता है मोलोटोप वाला, जिसमें यार कॉप्स में कहते हैं कि मोलोटोप से जितने भी गैंगस्टर के एरिया हो सारे एरिया में वाइस मोलोटोप डाल के ब्लास्ट कर दो। तो यार हम लोग जाते हैं उस एरिया में और सारे मोलोटोप डाल के जितने भी गैंगस्टर से घर होते हैं उन सबको ब्लास्ट कर। लेकिन यार बेलास गैंग नहीं होती, मतलब कोई और सी गैंग। तो यार पूरे मतलब फाइनली जितने भी जगह होते हैं जो गैंगस्टर्स होते हैं उनके सारे जगहों का ब्लास्ट करने के बाद हम एक लास्ट मतलब एक और उसमें एक मिशन सा आ जाता है कि यार एक लड़की मतलब घर में फंस जाती है और उसको यार हमें बचाना पड़ता है, मतलब सेव करना पड़ता है। तो यार सीधे जाता है वाइस बचाने के लिए, तो सेव करने के लिए। और मतलब यार हमें उस आग लगे घर में मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर लगी हुई थी उस घर में जाकर का सीधे मतलब अंदर घुसते बहुत ज़्यादा आग लगी होती है और मतलब हर जगह टूट फूट हो जाती है, तोड़ फूट हो जाती है। फिर गाइस हमें फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, हम फायर एक्सटिंग्विशर को लेते हैं, आग बुझाते हैं। एंड गाइस फायर को जितनी भी आग थी उस सबको बुझाने के बाद, सबको नहीं यार थोड़ी बहुत जगह को मैंने क्लीन किया, उसके बाद हम ऊपर जाते हैं मतलब थोड़े से सेकेंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे उस लड़की होती है उससे बातचीत करते हैं, फिर गाइस उसे सेव करते हैं। वहाँ से फिर पता नहीं कैसे एक दीवार टूट जाती है और फिर उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो लड़की बहुत तारीफ करती है, मतलब सीजे की यार कमाल की बात है। तो यार फिर उसको हम उसके घर तक छोड़ के आते हैं और मिशन वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कमाल की बात कि मिशन में एक नया ट्विस्ट आता है कि यार वो सीजे की गर्लफ्रेंड बन जाती है लड़की। उस लड़की का नाम है गाइस डैनिश। मतलब हमें आगे वाले मिशन में गाइस सीजे की गर्लफ्रेंड के साथ भी तगड़ा मिशन देखने को मिलेगा, जो मतलब काफ़ी मज़ेदार हुआ था। देखते हैं कि आज के नए मिशन में क्या होने वाला। ओजी का गाइस अब पता है कि ओजी के मिशन काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मतलब बहुत अजीब मिशन है यार। पहले भाई पार्टी वैन स्टीलिंग करके लाए थे, अब एक म्यूजिकल नोट्स करके लाए, मतलब हाइस्ट वाइस तो करवाया नहीं, लेकिन म्यूजिकल नोट्स की हाइट्स हुई काफ़ी मस्त था। लेकिन कोई नहीं यार, देखते आगे क्या होता है। चलिएगा शुरू करते हैं नेक्स्ट मिशन। Hey, excuse me, loaf around here? What? Who? You want friends with that? Loaf, is he available for communication? Who? Loaf? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loaf, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Lo? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He creeping my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack.
Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony, and that's the only time he leaves dog side. What's up now, man? One of the mad dog chauffeurs just left the broken shot. Crossed town. Said he was headed over to the view. Good looking. I'ma see if I can catch up with him. You're in the way. Asshole. Head to 1037 in South Sunnyside. Contact last scene on foot. Congratulations on your award. You must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Hold position in the middle of the motorcade until we get to the award show. Stick close and let's roll. Guy.
Hey, man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Who the fuck are you? Where's my usual driver? Unlock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I've heard. What you want? Money? I got bitches. Loads of fine bitches. Take them. They'll do anything you want. You want a record contract? Man, I can make any fool a superstar. I know people in this town. Powerful people. Dangerous motherfuckers. You Grove Street family? I know ballers OG. We like brothers. They'll fuck you up so fast. तो गाइस यार, इस वाले एपिसोड में हमने ओजी का जो मिशन किया था, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मिशन था। इस मिशन में गाइस यार, आपको पता होगा ओजी गाइस जो होते हैं ऑडिशन देते हैं गाइस अपने सिंगिंग में सॉन्ग के लिए। और गाइस जो मैड डॉग है यार, मतलब आपको पता है कि वो बहुत ही बड़ा एक स्टार है गाइस गेम में, मतलब म्यूज़िक स्टार है और उसके बहुत तगड़े गाने आते हैं। तो यार ओजी ने गाइस ऑडिशन दिया था और यार वो मतलब उसको नहीं पसंद आया मैड डॉग, तो यार उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो गाइस यार ओजी ने क्या सी जे का कि भाई मैड डॉग को किल कर, तो यार सी जे गया और सी जे गाइस वहाँ जाने के बाद बर्गर शॉप पे, तो गाइस यार बर्गर शॉप पे गाइस यार जो क्या होते हैं मैड डॉग का गाइस एक बंदा होता है, मतलब एक ड्राइवर होता है, तो वहाँ पे खड़ा होता है और गाइस वहाँ पे शायद वो बर्गर खा रहा होता है इसलिए। तो यार हम वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाते हैं और गाइस वहाँ पे वो हमें मिल जाता है और उसको बाहर निकलता है और गाइस क्या होता है कि हम उसे किल करते हैं और यार किल करने के बाद हम उसकी गाड़ी देते हैं, फिर गाड़ी को यार पेंट जॉब करवाते हैं, मतलब रिपेयर करवाते हैं, फिर गाइस उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे गाइस हमें मैड डॉग को पिक करना होता है और गाइस फाइनली उसे किल करना होता है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैड डॉग के साथ वहाँ एक लड़की होती है, शायद उसकी गर्लफ्रेंड होती है, तो यार वो भी उसके साथ आती है और वह इस चीज़ें वहाँ तक फुल रफ्तार में गाइस। उसके बाद जो मैड डॉग की गाड़ी है पानी में और गाइस मिशन कम्प्लीट। तो गाइस यार वहाँ पे हमारा मिशन हो जाता है कम्प्लीट और देखते हैं यार कि नेक्स्ट मिशन में हम क्या करने वाले हैं। और ओजी के मिशन में काफ़ी मज़ा रहता है, देखते हैं कि ओजी गाइस मैड डॉग तो अपनी रहा
तो देखते हैं उल्वी अब क्या नया मिशन देने वाला है। तो गाइस देखते हैं आगे वाली मिशन। ऑलराइट गाइस, सो गाइस यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लेना जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और गाइस शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं कैसे इन्हांस कर सकता हूँ।